ओके, एससीवी 1 चैप्टर 2 एक्सरसाइज फिजिक्स एंड मैथ्स। पहला क्वेश्चन है, अ वेक्टर ए मेक्स एंगल 20 डिग्री विद 20 डिग्री एंड बी मेक्स एंगल 110 विद एक्स एक्सिस। ये 20 बना रहा है, ये 110, तो 110 माइनस 20 विल बी 90। आपस में ये 90 बनाएंगे, थीटा इज 90, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 3 एंड 4 दी है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा वाला टर्म ही पूरा जीरो हो गया 90 डिग्री की वजह से, तो 4 आ गया, 5 आएगा इनफैक्ट 3 एंड 4 का वो। ऑलराइट, तो मीटर एंगल निकाल लेंगे इसका, ये जो एंगल है 53 आ जाएगा, यहाँ पे 10 अल्फा वाला फार्मूला लगाओ या डायरेक्ट, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकाल दिया 10 अल्फा, दोनों वेक्टर के बीच रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ एंगल का फार्मूला ये होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इसमें वैल्यू पुट कर दी तो 4/3 आ गया, अल्फा 53 हो जाएगा, 10 अल्फा इज 4/3, अल्फा इज 53, तो 53 यहाँ से प्लस 20 एक्स एक्सिस से प्लस 20 कर देंगे, इट विल बी 73 डिग्री। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 ईच इफ दे आर इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट एंगल 30 एंड 60। आप ये 30 डिग्री पे है, ये टोटल 60 है, तो आपस में उनका 30 बनेगा, ठीक है, फिर से रिजल्टेंट का फार्मूला लगाया, यहाँ पर इतना आ गया, अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से फार्मूले से चेंज किया, कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, है ना, फार्मूला डू यू रिमेंबर, कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला लगेगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये सिंप्लीफाई हो गया, 2 2, ये 4 हो गया, स्क्वायर है दोनों रूट से बाहर आ गया, तो इतना आ गया, ऑलरेडी एक्स के साथ 30 बनना है तो 30 के साथ ऐड कर दिया, नहीं ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अभी एंगल देखते हैं, इसमें देखो इक्वल मैग्नीट्यूड है तो बाइसेक्ट करता है एंगल 30, ये रिजल्टेंट जो है 30 को बाइसेक्ट करेगा 15, ये 15 आएगा, पहला जो ए 30 बना रहा था, तो 30 प्लस 15 विल बी 45 विद एक्स एक्सिस, और देखो एंगल दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता है उस एंगल को, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी थीटा बाई 2, यहाँ पे टोटल 30 है तो 15 पे आएगा रिजल्टेंट, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऐड वेक्टर्स ए एंड बी एंड सी ईच हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट्स एंड इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट 45, 135 एंड 315। इनफैक्ट इन दोनों के बीच के एंगल 180 आ जाएगा, 135 माइनस 315 का डिफरेंस निकालो 180, तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, मैग्नीट्यूड में सेम है तो यही बचेगा बस 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला, ए दिया है बी दिया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट के अंदर 5 आ जाएगा, इसका भी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ए प्लस बी इनको पहले ऐड कर लो, 4 प्लस 3 7 आएगा, ये आ गया इसका 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट के अंदर 7 रूट 2, माइनस कर दिया तो 1 माइनस 1, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2। ऑलराइट, इसका कोएफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, इसका माइनस 1 है उसका स्क्वायर, बीच में प्लस ही आता तो √2। क्वेश्चन नंबर 5, सपोज हमने इस वेक्टर को ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, तो इसका एक्स कंपोनेंट लिखेंगे, ए कॉस 30
तो इतना आ जाएगा। इसका वाई कंपोनेंट लिखेंगे ए साइन 30, ए वाई इज ए साइन 31 आ गया। इसका कंपोनेंट इधर माइनस आ जाएगा बी कॉस 60, माइनस पहले लगा लिया हमने, तो ये आ जाएगा वाई कंपोनेंट पॉजिटिव रहेगा बी कॉस बी साइन 60, तो ये आ जाएगा इतना। तो एक्स कंपोनेंट क्या होंगे, ये वाला और ये वाला माइनस हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद 0.982 बचेगा। वाई कंपोनेंट इसका इसका प्लस इसका माइनस, प्लस ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, इसको और सिंप्लीफाई किया तो 1.299 दैट इज़ 1.3। तो आर एक्स आ गया, आर वाई आ गया, 90 डिग्री पे रहते ये एक्स एंड वाई कंपोनेंट, तो अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद 1.6, टेन अल्फा निकालना है, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, ये आर वाई रहेगा ये आर एक्स रहेगा, डिवाइड कर दिया तो 1.32, देयरफॉर अल्फा इज टेन इनवर्स ऑफ 1.32। ठीक है, यू कैन सी फुल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 and 4, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम सो दैट द मैग्नीट्यूड इज 1, 5 and 7। तो रिजल्टेंट का फार्मूला लगा दिया, स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, ये बस आर की वैल्यू 1 पुट करके एंगल निकाला, सॉल्व करने के बाद कॉस थीटा माइनस 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स थीटा इज 180 डिग्री। ऑलराइट, जब 5 था मैं उनका रिजल्टेंट तो स्क्वायर हो गया, तो 25, इसको सॉल्व किया तो कॉस थीटा 0 आ रहा, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री। जब 7 था तो स्क्वायर होकर 49, सॉल्व किया इसको, 49 - 25 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा। यहाँ पे ये इसके साथ ऐड नहीं कर देना, ये कॉस के साथ अलग होता है, ये अलग होता है, यहाँ पे मिस्टेक करते तुम लोग। ये जो 49 है एक कॉस का जो 24 है उसके साथ ऐड कर देते, ऐसा नहीं, ये टर्म पूरा अलग है, इसको सेपरेट रखना है एक साथ। ऑलराइट, ओके, दिस इज अ कॉमन मिस्टेक आई हैव सीन इन द स्टूडेंट, देयरफॉर आई एम टेलिंग। सॉल्व किया, 24 कॉस 24 कॉस थीटा इज 1, देयरफॉर थीटा इज 0। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्पाई रिपोर्ट्स अबाउट द सस्पेक्टेड कार, रीड्स एज फॉलोज, द कार मूव 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मेड परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, रैन फॉर 500 मीटर, मेड परपेंडिकुलर राइट टर्न, रैन फॉर 4 किलोमीटर एंड स्टॉप, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। पहले 2 किलोमीटर इधर गई और हाफ किलोमीटर ऊपर गई, 500 मीटर मीन्स हाफ किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर राइट गई, तो ये फाइनल पोजिशन, ये तो वैक्टर ड्रा किया, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट, तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये 2 + 4 = 6 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 0.5 हाफ किलोमीटर, इसका स्क्वायर 6 प्लस दिस का स्क्वायर इज दिस, तो 6.02 किलोमीटर। 8th, कलम बोर्ड इज 4 × 4 feet² एज ए क्वीन एट द सेंटर, द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज, रिबाउंड्स एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकर लाइन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज, ये वाला इतना ही निकलना है। तो देखो टोटल 4 है, तो ये तुम्हारी 2 हो जाएगी, हाफ हाफ में डिवाइड करें ये 2, और इसके भी 3 पार्ट किए है ना, ज्योमेट्री के लिए हमें सिमेट्री बनानी पड़ेगी, तो ईच पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ईच पार्ट 2/3 हो जाएगा, तो ये 2/3 और ये 2, तो ये फर्स्ट
पार्ट का जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर 4/9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व किया तो ये आ जाएगा। सेकंड पार्ट में पूछा है फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, ये निकालना है। तो इसमें ये डिस्टेंस तो 4/3 बिकॉज ईच पार्ट इज़ 2/3 और ये 4 हो जाएगी टोटल, जो कि कैरम बोर्ड की विड्थ एंड हाइट है। तो ये 4 स्क्वायर है, ये साइड 4 हो जाएगी। तो 4 का स्क्वायर एंड 2/3 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर, सॉल्व किया तो 4/3 रूट 10 एंड फ्रॉम द सेंटर टू होल यहाँ तक, ये 2 और ये भी 2, हाफ ऑफ डिस्टेंस है, 4 एंड 4 की हाफ ऑफ है, तो ये आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो दैट्स ऑल। मॉस्किटो नेट ओवर 7 feet into 4 feet बेड इज 3 feet हाई, द नेट हैज होल एट द वन कॉर्नर ऑफ द बेड, यहाँ पर कहीं पे होल है। ठीक, और मॉस्किटो इंटर्स द नेट, इट फ्लाइज एंड सिट्स एट द डायगनली अपोजिट अपर कॉर्नर, यहाँ पे बैठ गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका जब इस निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 4² प्लस 7² उसके साथ ये 90 डिग्री, तो रूट ऑफ 3² भी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। बॉडी डायगनल का साइड्स का स्क्वायर करके ऐड करना पड़ता है ना, 74 फीट रूट के अंदर। बी में क्या बोला है, टेकिंग द होल एज द ओरिजिन, लेंथ ऑफ द बेड एज द लेंथ ऑफ द बेड एज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, विड्थ इज वाई एक्सिस एंड वर्टिकली अपवर्ड इज जेड एक्सिस। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये 7 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ऊपर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ए द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ, व्हाट इज द वेक्टर 3a एंड माइनस 4a, तो इसको a को 3 टाइम्स कर दो, तो 4.5 इंटू 3 13.5 प्लस ही है ये भी, तो ड्यू नॉर्थ, और ये माइनस 4 टाइम्स करना है, माइनस 4 इंटू 4.5 तो माइनस 18, इसका मतलब 18 यूनिट्स अपोजिट, माइनस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, ड्यू साउथ। ऑल राइट, चलो दैट्स ऑल इन दिस, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।